गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विवेक शर्मा, मैं एक ऑथर हूं और एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूं और आपसे मिलता हूं GINF ? यानी कि गॉड इज नॉट फेयर ? पॉडकास्ट चैनल पर, जो कि अवेलेबल है गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, कास्ट बॉक्स, जियो सावन, gaana.com, raga.com और बहुत सारे पॉपुलर पॉडकास्ट मीडियम्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपके लिए एक कहानी लेकर आता हूं जो जुड़ी होते हैं जिंदगी के सच्चाइयों से और प्रकाश डालते हैं जीवन में बाउंस बैक करने पे और कैसे हम निगेटिव्स में भी पॉजिटिव्स को ढूंढ सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं या ये कह सकते हैं कि बेहतरीन बना सकते हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ शॉन्टू और गोल्डी की कहानी। शॉन्टू और गोल्डी जो है एक छोटे टाउन से आते हैं और बॉम्बे में आए थे अपना एक सपना लेकर कि उनको यहाँ पर काम करना है और सेटल होना है। नाउ सेटल होने का मतलब लाइफ में क्या होता है? सेटल होना मतलब आपका अपना एक परिवार हो, यानी कि स्पाउस हो, बच्चे हो, एक अच्छा जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी हो, और एक घर हो अपना, इसी को बोलते हैं ना सेटल होना। नाउ इनके सपने जो है बहुत बड़े थे, जेब में कुछ हजार रुपए ही थे लेकिन फिर भी जो है वो निकल पड़े थे अपने लिए एक बसेरा ढूंढने के लिए, अपना एक फ्लैट ढूंढने के लिए, और बड़ी मेहनत करी इन्होंने। मतलब जो रीजन था क्यों ये ऐसा कर पाए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, देखिए सब लोग कर पाते हैं लेकिन ये कपल जो है स्पेशल इसलिए था क्योंकि इन्होंने सिर्फ 13 महीने में, मतलब एक छोटे शहर से बॉम्बे आकर 13 महीनों में अपना एक आशियाना बनाया। और ऐसा नहीं कि इनके पास बड़ा फैमिली बैकअप था और बहुत एफ्लुएंट फैमिली से आते थे, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मेहनत, सूझबूझ और एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की वजह से ये एक अचीवमेंट कर पाए। अगर हम आसपास देखें या अपनी लाइफ में हम सब यू नो रिलेट करें इन चीजों को, तो ये सिर्फ इस कपल की कहानी नहीं है। एक्चुअली जितने भी मिडिल क्लास लोग जो हैं, जो बाहर से आए हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं या किसी भी बड़े शहर में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, कोलकाता में या दिल्ली में या बाकी शहरों में रह रहे हैं, उन सबकी ऐसी कहानी होती है। सबों ने जीरो से शुरू करा होता है और अपनी लाइफ में एक मुकाम बनाया होता है अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ और अपनी काबिलियत के दम पर। सो इन्होंने क्या किया कि अपना जो घर था वो कुछ महीनों तक तो बड़ा एंजॉय किया, मजा आया, भाई ये है वो है वो है वो है वो। अरे सबसे बड़ी चीज, यू नो, एक अनजाना शहर जहां पे आपका कोई अपना नहीं है, अपनी एक छत होना, जहां पे 11वें महीने पर आपको कोई लैंडलॉर्ड ये बोलने वाला नहीं कि भाई चलो अभी निकलो आपका टेन्योर हो गया, ये एक इट्स अ ब्लिस इन इटसेल्फ। लेकिन इन सब के बावजूद 4-5-6 महीनों के बाद क्या हुआ कि इनका जो प्रेशर था, प्रेशर एज इन यू नो, देखिए जब आप घर लेते हो तो बड़ी खुशियां होती हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा होता है, यार ये भी है ये भी है, यहाँ से तो ये इतनी पास है, यहाँ पे तो देखो ये भी दुकानें हैं, यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे पार्क हैं, बहुत सारी सुविधाओं पर हमारा दिमाग जाता है। लेकिन जैसे चीज़ें सेटल होती हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है घूमता है वापस EMI, मेंटेनेंस, घर के खर्चे, उस सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं उसके हिसाब से अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए खर्चे, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि उस घर को जिसको हमने इतनी स्ट्रगल के बाद खरीदा होता है उसको हम एंजॉय करना भूल जाते हैं और रह जाता है, मतलब वो पीछे चला जाता है। सो नाउ ये जो करंट सिचुएशन है COVID-19 की या कोरोना वायरस की, इसने हमें एक बार फिर से वो अपॉर्चुनिटी दी है कि हमने जो हमारी मेहनत से, हमारे काबिलियत से जो भी चीज़ें एक्वायर करी हैं, चाहे वो हमारा घर हो या हमारा परिवार जो हमने बनाया है, जो हमने गृहस्थी अपनी बसाई है, यू नो, उसको एंजॉय करने की, आप उसको एंजॉय कीजिए। ये जो समय है ना, कॉन्ट्रेरी टू दैट, यू नो, हम लोग बोलते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, पता नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, भाई मुझे तो 2-3 दिन पहले मेरी बीवी ने बोला कि भाई ये सारी चीज़ें, मतलब हम लोग बहुत टाइम से सब करने की सोच रहे हैं, आप बोलते हो हमेशा टाइम नहीं, टाइम नहीं है, अभी तो 10 दिन से घर में हो, अब क्यों नहीं कर रहे हो? तब मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया कि भैया ये जो टाइम नहीं है ना, ये सिर्फ एक बहाना होता है, प्रॉब्लम होती है एटीट्यूड की, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। सो बस ये समय है जब हमारे पास इन अ वे वी कैन से दैट चॉइस नहीं है, या ये ही चॉइस है या फोर्स्ड चॉइस है कि भैया घर पे ध्यान दो और करो, तो क्यों ना करें भाई, करिए, मजा आएगा। एंड मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आई एम ऑल्सो एंगेज्ड, आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस एंड आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। अगर मैं कर सकता हूँ तो शायद आप भी कर सकते हैं। सो देर आर 4-5 तरीके हैं जिसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। भाई करना है ठीक है, कैसे करें उसको छोटी छोटी चीजों में बांट लेते हैं। पहली चीज, जो सबसे पहली चीज हम कर सकते हैं अगले यू नो 10, 20, 21, 22 जो भी दिन हैं आने वाले, पहली चीज घर को जो है साफ रखिए और क्लटर फ्री रखिए। क्या होता है कि जब घर साफ होता है ना, तो एक अच्छी सी वाइब्रेशन होती है उसमें, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हमें आलस से और बाकी सारी निगेटिव यू नो इमोशन से दूर रखती है। और घर का कोना कोना साफ कीजिए,
और मेक श्योर कि घर में कहीं पे भी क्लटर नहीं रहे। अच्छा, बड़ी गौरतलब बात है कि मतलब हम लोग देखें ना कि जब हम घर में कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं तब वो उस टाइम पे नहीं मिलती है, चाहे वो हमारे मोजे हो या क्लिप हो या पेन हो या सेलो टेप हो या स्टेपलर हो, कुछ भी हो, ये चीजें जो है जब हमको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती तब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम कई बार संभाल के नहीं रखते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में हम इतना बिजी रहते हैं, अच्छा ठीक है ऑफिस आया, बैग इधर रख दिया, ये इधर रख दिया, वो इधर रख दिया, वो इधर रख दिया, और बस लगे हुए हैं। सो ये टाइम है चीजों को रीअरेंज करने का, क्लटर फ्री करने का। और वास्तु के हिसाब से मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट कोने में, जो नॉर्थ ईस्ट आपकी घर की जो सेंटर से आप डायरेक्शन देखेंगे, उस डायरेक्शन में क्लटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब कचरा कूड़ा या चीजें बिखरी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा जोन है जहां से मतलब संपत्ति आती है, ऐसा बोलते हैं वास्तु के हिसाब से। सो ये एक तरीका है कि हम री इन्वेंट कर सकें, एनर्जीज वापस ला सकें। दूसरी जो चीज हम कर सकते हैं हमारी लाइफ में वो है गार्डनिंग। हम सब अपने घरों में ना पेड़ पौधे चाहते हैं, बाय एंड लार्ज। कुछ एक लोग होंगे जो शायद नहीं चाहते होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज हम सब अपने घरों में पेड़ पौधे चाहते हैं। हम गमले लाते हैं, फ्लावर बेड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ना जब वो जो गमले होते हैं वो सूख जाते हैं, या तो खराब हो जाते हैं या तो टूट जाते हैं, जो कुछ भी होता है, ये टाइम है कि हम अपना ये शौक जो है वापस से रिवाइव कर सकें। अब आप मुझे ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि यार मेरे को तो ये चीज लानी पड़ेगी, वो चीज, कुछ नहीं लाना है, कुछ नहीं लाना है भाई। अगर गमले हैं, अगर घर में मिट्टी है, बस दैट्स इट, उसी पे काम करना है, उसको वापस से खोदिए। फर्टिलाइजर अगर घर में है कहीं पुराना रखा हुआ है तो निकालिए, नहीं तो फिर जैसे चाय की पत्ती होती है, कुछ एक चीजें होते हैं फलों के जो छिलके वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें मिट्टी में डालिए, यही सब फर्टिलाइजर बन जाती है। और अब आप सोचेंगे कि प्लांटिंग क्या करें हम, पेड़ क्या लगाएं उसमें, कोई जरूरत नहीं भैया बाहर जाने की। जो टमाटर आप खाते हो, अगर घर में एक टमाटर है, दो चार बीज अगर उसके थोड़े बहुत निकाल लो, जो धनिया, सूखी धनिया अगर आपके पास है तो वो धनिया डाल दीजिए, जो भी चीजें आपके आसपास हैं, अगर कोई फ्रूट है तो उसका वो बीज डाल दीजिए उसमें। जरूरी नहीं कि हम बाहर जाके सारी चीजें उगाएं तो ही सारी चीजें गार्डनिंग कहलाएंगी। और 15-20 दिन तक उसको अच्छे से ध्यान देकर देखिए, कितना मजा आता है जब उसमें छोटे छोटे पत्ते निकलेंगे, फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, कितना मजा आएगा। जो तीसरी चीज हम कर सकते हैं हमारे घर में, एक जिसे घर जो होता है ना, घर का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दीवारें। एक कोई दीवार लीजिए, उस दीवार को डेकोरेट कीजिए अपने हिसाब से। अगर आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स, फैमिली ट्री बना सकते हैं आप उस पे, मतलब ये हमारे दादाजी, ये पिताजी, ये एक्स वाई जी काइंड ऑफ थिंग, ये पूरा परिवार का एक फैमिली ट्री बना सकते हैं आप। या कुछ उसमें पेंटिंग कर सकते हैं अगर आपको पेंटिंग का शौक है, या कुछ डिजाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो कुछ डिजाइन बना सकते हैं, कुछ क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं उस दीवार पे और उसको डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब इससे क्या होता है ना कि थोड़ा प्लेजेंटनेस आती है, जब अच्छी अच्छी चीजें आप देखो तो कितना मजा आता है ना, और ब्रेन जो है एकदम रिलैक्स रहता है और प्रोडक्टिव रहता है। सो एक वॉल को चुनिए अपने घर में और उस वॉल को डेकोरेट कीजिए अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, और फिर देखिए क्या मजा आता है। और आंखों को कितना भी सुकून मिल जाए, लेकिन जब तक पेट भरा नहीं होता ना तब तक जिंदगी में मजा नहीं आता दोस्त। कितनी बार हम सोचते हैं, अगर हम अगर आप फीमेल हैं तो कितनी बार हम सोचते हैं कि यार ये पकाते हैं, वो पकाते हैं, वो पकाते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है कभी। और अगर आप मेल हैं, अगर आपको शौक है थोड़ा बहुत पकाने का, तो आप कुकिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसा डिश ट्राई कीजिए जो आपने पहले नहीं बनाया हो, या कुछ पुरानी डिशेस को नए तरीके से बनाइए। और स्कैरसिटी मतलब जब होती है ना, जो चीजें जब कम होती है, लिमिटेड होती है, उन परिस्थितियों में इन्वेंट करने का मजा ही कुछ और है। वो बोलते ना मास्टर शेफ वाली फीलिंग आती है कि मतलब यार इतने कम चीजों में भी मैंने देखो कितना अच्छा बनाया। और बनाइए और खिलाइए शौक से, खाइए। और जो नेक्स्ट काम कर सकते हैं भाई, अभी क्या हो गया कि सफाई हो गई, अभी गार्डनिंग भी हो गई, अभी वॉल भी एक डेकोरेट हो गई, अभी खाना भी बन गया मस्त, अब क्या कर सकते हैं? अब भाई अगर आप पत्नी के साथ रहते हैं या घर में फैमिली है, एक प्यारा सा कैंडल लाइट डिनर कीजिए सर या मैडम, मजा आ जाएगा। और अगर कोई नहीं है, अकेले कीजिए, वो और भी मजा है। और अगर टाइम है और, तो अपने घर में थोड़ी सी लाइटनिंग कीजिए। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं, अपने उस हिसाब से थोड़ी लाइटिंग वगैरह कीजिए तो देखने में और अच्छा लगता है। एक कोट है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, लाइक इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी डेज वी हैव टू लिव, हमारी जिंदगी में दिन कितने हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि हम कितने दिनों को जीते हैं, उससे जो है हमारी लाइफ की जो एसेंस है वो समझ में आता है। और पॉजिटिविटी बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है। आदमी बिना खाने, बिना पानी के, बिना सुख सुविधाओं के जिंदा रह सकता है, लेकिन उम्मीद के बिना बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकता है। दोस्तों, ये वक्त है हम सबकी सॉलिडैरिटी का, हम सबको एक साथ आकर अपने देश के लिए कुछ करने का, अपने लिए कुछ करने का। और सच पूछे तो आज हमारी सिचुएशन ऐसी ना कि अगर हम अपने लिए ही कुछ करते हैं तो ही हम एक तरह से देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि अपने घरों में रहिए,
बाहर बिल्कुल मत निकलिए, अगर बहुत अत्यंत अत्यंत जरूरी काम हो तो ही निकलिए, अदरवाइज प्लीज 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 मत निकलिए। इनफैक्ट मैं भी ये चीज फॉलो कर रहा हूँ, हम लोग 10 दिनों से बाहर नहीं निकले हैं और आने वाले 20-22 दिन भी बाहर नहीं निकलेंगे। अगर घर में राशन कुछ कम होता है तो हम कम खाएंगे, वी आर एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग। हम लोग पहले जो खाना बनाते थे कि चलो ठीक है बच जाएगा तो फिर थोड़ी देर के बाद खा लेंगे या ये कर देंगे वो कर लेंगे, लेकिन आज जो है हम सिर्फ उतना ही बनाते हैं जितना हम एक बार में खा सकें और उसमें हमारा पूरा पेट ना भरे। कैसा ना कि मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है तो हम काम तो वैसा फिजिकल कर रहे नहीं है, फिर क्या होगा कि अगर हम पेट भर के खाना भी खाएंगे आराम भी करेंगे तो फिर हमारी ओबेसिटी बढ़ेगी और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो सबसे पहले चीज जो ये है कि काम कीजिए घर में, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और खाना थोड़ा सा कम कीजिए। उससे आपका क्या है कि जो राशन है, जो भी आपका ग्रोसरी वगैरह है, वो लिमिटेड कंजम्पशन रहेगा और आपको स्कैर्सिटी नहीं होगी उस चीज की। कोशिश कीजिए कि खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो अन्न की भोजन की कदर कीजिए। और अगर हो सकता है कि आपके आसपास में अगर कोई आपको लगता है कि कोई बुजुर्ग दंपति है जो अकेले रहते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प कीजिए, अगर हो सके तो उनको कुछ बना के दे दीजिए, कुछ खिला दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान होते हैं और उस उम्र में उनसे अपना काम किया नहीं जाता है। और आजकल क्योंकि काम वाली बाई भी नहीं आ रही है और बहुत सारा यू नो रिस्ट्रिक्शन है, तो आई एम श्योर दे मस्ट बी नीड, आप प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। और अगर आप सरकार की मदद करना चाहते हैं इस मुहिम में कोरोना के खिलाफ, तो आप प्रधानमंत्री की जो साइट है, उन्होंने पीएम केयर फंड करके एक मुहिम लॉन्च करी है, आप उसमें जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इवन यू कैन कंट्रीब्यूट 100 रुपीज और 50 रुपीज ऑल्सो, सो आपकी जो भी इच्छा शक्ति है उस हिसाब से आप चाहें तो वहां पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे पता है कि देखिए बहुत सारे लोग आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारे पास खुद नहीं हम कैसे करें, लेकिन आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट ने आज कितनी सारी सुविधाएं हमको दे के रखी हैं टू एन एक्सटेंट, मतलब ईएमआईज भी जो है पोस्टपोन करी जा रही है, बैंक्स आर नॉट गोइंग टू चार्ज ईएमआईज ऑल्सो। ये जो सारा गेम होता है ना, ये कॉर्पोरेट की जो स्यापे होते हैं कि हम जॉब नहीं शिफ्ट कर सकते, मतलब जितने भी हमारी लाइफ में जो स्ट्रैंगुलेशन होते हैं ना, कई बार वो ईएमआईज की वजह से होते हैं। नाउ इससे ज्यादा बेनिफिट आपको क्या कोई दे सकता है? सो मैं इस मामले का जानकार नहीं हूं और मुझे जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से ये है, ज्यादा जानकारी के लिए आप यू नो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी देख सकते हैं और न्यूज भी देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई जा रही हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन रखें, घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि आप अगर सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। और अगर आपको ये समझना है कि इन परिस्थितियों में जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस टाइप की चीजें भी हो जाती है, कई बार बैठे बैठे बोरियत होती है काइंड ऑफ थिंग, तो उसको कैसे निपटना है, उसके बारे में अगर किसी साइकेट्रिस्ट की सलाह चाहिए आपको या उनके विचार चाहिए, तो आप प्रीवियस एपिसोड सुन सकते हैं। उसमें मैंने इन्वाइट किया था डॉक्टर संतोष बांगर को, जो कि जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बात है, कोई तकलीफ है जो आप नहीं साझा कर पा रहे हैं किसी से और मुझसे कहना चाहते हैं, तो उंगलियों को तकलीफ दीजिए, विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर टाइप कीजिए और मुझ तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड ऑल। एंड अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9819888048 पर। और अगर अपनी पहचान छुपाए हुए मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म है मेरी वेबसाइट thevivek.in यानी कि thevivek.in पर, आप उसके थ्रू भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार और बहुत सारा धन्यवाद आपको ये शो सुनने के लिए और मुझे एनकरेज करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करने के लिए। चलते चलते मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवाशीष रे को, जो हेल्प करते हैं मुझे ये पॉडकास्ट प्रोड्यूस करने में, और अपनी धर्मपत्नी को जो मुझे सहयोग करती हैं हर पॉसिबल वे में, सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रह सकूं और ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, इट हैड बीन वंडरफुल बीइंग विद यू, आई विल सी यू सून, टिल देन जय हिंद।